हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज हम बना रहे हैं अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने दो अमरूद लिए हैं। अमरूद को हमको पीला एकदम पके हुए लेने हैं। इससे सब्जी एकदम टेस्टी और खुशबूदार बनती है। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है सब्जी में से। इनको सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेते हैं। इस प्रकार पहले तो इसका ये वाला ब्लैक वाला पार्ट हटाएंगे और आलू छीलने वाले चाकू से इस प्रकार इसका छिलका हटा लेंगे। आप चाहें तो नहीं भी हटाएं, लेकिन इसे हटाने से सब्जी अच्छी बनती है। इस प्रकार हम अपने दोनों अमरूद छील लेंगे। ये मैंने दोनों अमरूद छील लिए। अब इस पर से हम इस प्रकार इसे निकालेंगे। इनका बीज हम यूज में नहीं लेंगे, ऐसे काट लेंगे। यदि बीज आ जाए, एक दो बीज आ जाए तो कोई बात नहीं, इस प्रकार बीज हटा देंगे और इस प्रकार टुकड़ों में हम अपने दोनों अमरूदों को काट लेंगे। इस प्रकार करेंगे और हम अपने दोनों अमरूद काट लेंगे। बीज को हमको यूज में नहीं लेना है, ये अच्छे नहीं लगते हैं सब्जी में। इस प्रकार मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और बीज वाला पार्ट अलग कर दिया है। इसे हम हटा देंगे, इसको हम यूज में नहीं लेंगे। एक मैंने पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे। देसी घी में ये सब्जी अच्छी बनती है। आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से अच्छा टेस्ट आएगा। घी गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, आधा चम्मच के करीब हम जीरा डालेंगे। इसी में हम थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसमें पानी डाल देंगे। और नमक स्वाद अनुसार। एक बॉईल आने देते हैं, जिससे हमारा मसाला और घी अलग हो जाए। घी और मसाला अलग हो गया है और हमने जो अमरूद काटे थे वो हम अब इसमें डाल देंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें तकरीबन आधा कटोरी के करीब पानी डालेंगे। अब इसे हम पकने देते हैं। आप चाहें तो इसे कुकर में ही बना सकते हैं, एक सीटी में ही बन जाएगी, आपको जिस प्रकार अच्छा लगे, लेकिन इसमें भी अच्छे से बन जाती है। अब इसे 5 मिनट हम बॉईल होने देंगे और इसे कवर करके रख देते हैं। 5 मिनट हो गए, हम अपनी सब्जी देख लेते हैं। इस प्रकार यदि हमारी सब्जी ये कटने लगे अमरूद, तो समझो हमारी सब्जी होने वाली है। तो इसी टाइम पर हमें इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। इसमें हम 2 टीस्पून चीनी डालेंगे और इसको मिलाकर फिर 2 से 3 मिनट और इसे पकाएंगे ढककर। 2 से 3 मिनट हो गए, सब्जी हम देख लेते हैं। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारी सब्जी अच्छी बनेगी। और इस प्रकार आप अपनी सब्जी देख लीजिए, ये बिल्कुल हो गई है। अभी यदि आपके यहाँ इसी प्रकार खाते हैं थोड़ी कटकटी तो ये हो गई, यदि थोड़ी और घुटी खाते हैं 2 से 3 मिनट। और ये कुकर में एक ही सीटी में हो जाती है। कुकर में भी आप बना सकते हैं और साथ में चीनी डालकर एक सीटी ले लें, एक सीटी में हमारी सब्जी बन जाएगी। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इस प्रकार हल्के से रसे की ये सब्जी बनाए तो बहुत टेस्टी लगती है। ये आप सर्दियों में आलू के पराठे, मेथी के पराठे के साथ में ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार जरूर ट्राई करें। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है
तो प्लीज लाइक कीजिए, और यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इस सब्जी को अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सब्जी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालना भूल गई, अब मैं डाल देती हूँ, इसे मिक्स कर देती हूँ, जिससे हमारी सब्जी खट्टी मीठी बनेगी। यदि आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं, और ऊपर से हरा धनिया डाल के हम सब्जी सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए सब्जी देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी यह सब्जी बहुत अच्छी होती है। इस सब्जी को बनाकर हम स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। जय जिनेन, अगली रेसिपी में हम आपसे फिर मिलते हैं।